संदेह निवारण की इस क्लास में आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सोसाइटी और कम्युनिटी ये क्या है और इनमें मूलतः अंतर क्या है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज अ सोसाइटी एंड व्हाट इज अ कम्युनिटी एंड व्हाट इज अ डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म्स। लेट अस फर्स्ट टेक अप सोसाइटी। समाज, समाज की परिभाषा के बारे में सारे समाजशास्त्री एकमत नहीं हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। द टर्म सोसाइटी इज द मोस्ट फंडामेंटल इन सोशियोलॉजी, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेग एंड जनरल कॉन्सेप्ट इन द सोशियोलॉजिस्ट वोकेबुलरी। वी कैन डिफाइन सोसाइटी एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाई सर्टन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट इंटर इन टू दीज रिलेशंस और हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर। सोसाइटी इज अ टर्म, गिवन टू द वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन इंटरेक्शंस, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश्ड बाय मैन। समाज मानवीय अंतर संबंधों और मानवीय संगठनाओं का एक जाल है। द सोसाइटी इज अ वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, इंटरैक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस। इन शॉर्ट, दिस इज सोसाइटी। संक्षेप में, समाज इसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि समुदाय के बारे में बात करें, जिसे आप कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। सोसाइटी रिलेटिव टर्म्स तो हैं, लेकिन दोनों में भारी अंतर है। कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, व्हाट सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड अ लिविंग इन अ गिवन एरिया, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। दिस कुड बी वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी। अगेन, कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। आई रिपीट, कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। और भी जो सुन रहे हैं उनको सुनने देते हैं। बीच में अगर कोई सवाल आता है तो आप में से कोई पूछ सकता है। अब चूंकि ई लर्निंग है और इंटरेक्शन करने का समय थोड़ा कम है, इसलिए इसको कंक्लूड करते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम समुदाय किसे कहेंगे। किसी निश्चित भौगोलिक परिक्षेत्र में रहने वाले निवासियों को, जिनमें कुछ
समानताएं हों, पारंपरिक विश्वास हो और वे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों, लंबे समय से रहते हों और उनमें वी फीलिंग, हम की भावना, यह हमारा है, यह हमारा गांव है, यह हमारा शहर है, यह हमारा गुरुद्वारा है, यह हमारा मंदिर है, हमारे गांव का तालाब है, लंबे समय से हम लोग इस स्थान पे रह रहे हैं, we have been residing in this particular area for a long time, and there must be some degree of commonality in the group members living in a particular geographical area. यह community. लेकिन अभी कुछ बच्चों ने कहा कि भ्रम बना हुआ है कि दोनों के अंतर को हम कैसे समझें. तो अंतर में हम वन बाय वन कुछ बिंदु लेते हैं और दोनों में अंतर समझने का प्रयास करते हैं. नाउ वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी. फर्स्ट, सोसाइटी. सोसाइटी इज अ वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. समाज लोगों के संबंधों के जाल, अंतर जाल का नाम है, जबकि कम्युनिटी यानी समुदाय यह लोगों के समूह का नाम है जो एक भौगोलिक प्रक्षेत्र में रहते हों, उनमें समानताएं हों और अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि उनमें कुछ सीमा तक हम की भावना हो. हम की भावना, हम की भावना मतलब अ डिग्री ऑफ वी फीलिंग, यह हमारा है. तो समाज संबंधों का नाम है और समुदाय किसी एक स्थान पर रहने वाले निवासियों का नाम है जो लंबे समय से एक स्थान पर हैं. उनकी परंपराएं एक जैसी हैं, उनके विश्वास हैं और उनमें हम की भावना, वी फीलिंग हो. दूसरी बात, सोसाइटी के लिए आवश्यक नहीं है कि वह एक पारिभाषित या निश्चित भौगोलिक परिक्षेत्र हो, लेकिन समुदाय के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र का होना, स्थान विशेष का होना आवश्यक है. कम्युनिटी ऑलवेज डिनोट्स अ डेफिनेट लोकेलिटी, अ डेफिनेट लोकेलिटी और पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया. तीसरा बिंदु, सोसाइटी. The term society is abstract. Abstract भाववाचक संज्ञा आप जानते होंगे. यह एक abstract term है. हम society को देख नहीं सकते, यह नहीं कह सकते कि अलमारी में से एक प्लेट society लेते आइए, या उस हाल में सोसाइटी नाम के एक सज्जन है उनसे मिलकर के आइए, या बाहर देखिए मेले ठेले में समाज आपको दिख जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. समाज एक सोच, एक कॉन्सेप्ट, एक संप्रत्यय है. सोसाइटी इज अ कॉन्सेप्ट. लेकिन समुदाय, द कम्युनिटी, कम्युनिटी इज अ कंक्रीट टर्म.
समुदाय एक कंक्रीट शब्द है और हम समुदाय के लोगों को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। समाज एक बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है, जबकि समुदाय या कम्युनिटी, कम्युनिटी इज स्मॉलर देन सोसाइटी। ऑलवेज कम्युनिटी इज स्मॉलर देन सोसाइटी। एक बार मैं फिर से दोहराऊं कि समाज मानवीय अंतर संबंधों का जाल है और समुदाय या कम्युनिटी स्थान विशेष में रहने वाले लोगों के समूह का नाम है। अगली बात, द ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। द ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव। आई रिपीट, आर मोर एक्सटेंसिव एंड वेरीड। भिन्नताएं होती हैं, लेकिन समुदाय में, कम्युनिटी में, द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ ए कम्युनिटी आर कंपैरेटिवली लेस एक्सटेंसिव। आई रिपीट, लेस एक्सटेंसिव एंड वेरीड। दीज आर लेस एक्सटेंसिव एंड वेरीड। एक और बात जोड़ देता हूं इसमें, सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। आई रिपीट, इधर के लोग भी ध्यान देंगे, सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस, जिस बिंदु पर सारे लोग सहमत हैं और बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं, या समाज में ऐसा होता है, सहमत होना और असहमत होना, ये दोनों बातें समाज में देखी जाती हैं, लेकिन लाइकनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिटी देन डिफरेंसेस। इन कम्युनिटी लाइकनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डिफरेंसेस। देर इज अ कॉमन एग्रीमेंट, आई रिपीट, देर इज अ कॉमन एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन द पार्ट ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स। सहमति समुदाय में अधिक होती है, लेकिन समाज में सहमति और असहमति दोनों पहलू पाए जाते हैं। अगर मन में कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो निवारण के लिए आप अभी पूछ सकते हैं, या शाम को 4 और 8 बजे से टेलीफोन करके, व्हाट्सएप से, फ्लिप ग्रिड पे, या और भी जो प्लेटफॉर्म हैं, जो मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन के जो ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं और संदेह निवारण कर सकते हैं। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि समाज क्या है और संस्कृति क्या है, सामाजिक बदलाव क्या है और सांस्कृतिक बदलाव क्या है। संस्कृति में और सभ्यता
में अंतर कौन कौन से हैं। संस्कृति और सभ्यता की परिभाषा क्या है, इनको हम सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। आज की बात यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।